अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे पर क्वारब के नजदीक बने डेंजर जोन में एक बार फिर पहाड़ दरक कर सड़कों पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। क्वारब के पास बने पुल से पहले अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर खिसक कर गिरने लगे। बड़े बड़े बोल्डरों के साथ इतना मलबा आ गया कि पूरी सड़क पर मलबा भर गया। गनीमत रही कि ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुआ जब वहां पर कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। भरभराकर बड़े बड़े पत्थरों की बरसात से मार्ग बंद हो गया। सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने 2 JCB रवाना कर दी हैं, जिसके बाद हाईवे को कुछ घंटों के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि क्वारब के नजदीक डेंजर जोन बन चुका है। यहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क बंद होने की सूचना मिलने के बाद DM आलोक कुमार पांडे भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क खोलने के लिए किए जा रहे कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा एक काल डेवलप हो गया है, इसके वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं। मैंने इससे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल हर जगह जो मीटिंग हुई है CADC को दिया है, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनको कहा है कि उन लोगों को बुला के एक डेली बेस की स्थापना कर दें, और दूसरा हमें जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा, और जो कुछ तकनीकी अपने विशेषज्ञों को दिखाते हैं उपचारात्मक। अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे अल्मोड़ा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। ऐसे में ये सड़क मार्ग इन जिलों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। फिलहाल NHA की टीम और जिला प्रशासन की टीम डेंजर जोन का ट्रीटमेंट करने में जुटी है। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।